हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। सोनीपत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी सोनीपत के ही एक गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। उस पर दिल्ली हरियाणा में स्नैचिंग लूट सहित 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। साथ ही दिल्ली में पुलिस पर मुठभेड़ के दौरान फायरिंग का भी मामला दर्ज है, जिस पर दिल्ली पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर डीएसपी रविंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी पर 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। फिलहाल गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। मुखबरी पर हमारे एंटी इलीगल आर्म सेल के इंचार्ज सुखवीर सिंह के नेतृत्व में हमने एक टीम गठित की, जिसमें कि हमने मोस्ट वांटेड अपराधी जो कि 165 केस एफआईआर नंबर डिफेंस कॉलोनी दिल्ली के केस में वांटेड था और उस पर 50,000 का इनाम था, उसको हमने अरेस्ट किया है। टोटल 18 मुकदमे दर्ज हैं और लगभग इन पे 50,000 इनाम के अलावा 2-3 केसों में भी और इनाम इसमें रखा हुआ है, जो कि अभी इससे पूछताछ जारी है।